नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओं शांति 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 बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम ब्राह्मण प्रथम पृष्ठ 18 आनंदगिरि अंतिम पैरा कर्मफलम संसारश्चेत् प्राप्त तदनुष्ठानात् तदभावात् मुक्तानां पुनर्बन्धः स्यात् इत्याशङ्क्याः इदमेवेति भाष्य की अंतिम पंक्ति पृष्ठाठार इदमेव त्रयं प्रागुत्पत्तेः अब प्रश्न उठा कि यह जो संसार है कर्म का फल है कर्म के फल स्वरूप ही जीव को जन्म प्राप्त होता है और जन्म लेने पर ही जीव विशेषकर मनुष्य विधि सम्मत विधि असम्मत कर्मों में प्रवृत्त होता है अपने द्वारा समनुष्ठित शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप पुनः जन्म लेता है जीव के जन्म और जीवन का पर्यवसान कर्म है कर्म का पर्यवसान जन्म है जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद कर्म का आलंबन लेकर संभव ही नहीं है अतः आत्मतत्व जो अविक्रिय विज्ञान घन है प्रामाणिक रीति से विचार करने पर ब्रह्म स्वरूप ही है उसके अधिगम का प्रयास करना चाहिए लेकिन तदर्थ साधन चतुष्टय संपन्नता अपेक्षित है निष्काम भाव से स्ववर्णाश्रमोचित कर्म और उपासना का आलंबन लेने पर पितृलोक और देवलोक
की प्राप्ति न होकर ब्रह्म परिमार्जन की क्षमता जीव के जीवन में आती है, अब तक यह कहा गया। हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति या हिरण्यगर्भ में तादात्म्यापत्ति या देहत्याग के पश्चात एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार ब्रह्म लोक में उत्क्रमण या ब्रह्म लोक तक उत्क्रमण होता है, क्योंकि अश्वमेध में मुख्य घटक अश्व है और अश्वमेध नामक क्रतु के देवता हिरण्यगर्भ या प्रजापति या ब्रह्मा निष्काम साधक जिस कर्म का जो देव होता है उसके सारूप्य को सामीप्य को रूप को या सायुज को प्राप्त होता है। तो अश्वमेध का परम फल हिरण्यगर्भ की तादात्म्यापत्ति है, लेकिन आगे चलकर भाष्यकार ने कहा कि अश्वमेध का भी पर्यवसान नाम रूप कर्म में हो जाता है। तब आनंद गिरी जी ने भाष्यकार भगवान के भाव को हृदयंगम कराने की भावना से पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया कि प्रसंग तो हिरण्यगर्भ भावापत्ति का था, लेकिन नाम रूप कर्म कहकर उस प्रसंग को क्यों छोड़ दिया गया। तो इसका उत्तर आनंद गिरी जी ने दिया कि जो भी व्यक्त जगत है, कार्यकोटि का प्रपंच है, चाहे वह हिरण्यगर्भ का पद ही क्यों ना हो, हिरण्यगर्भ का लोक ही क्यों ना हो, आखिर उसका भी तीन ही विभाग होता है, नाम रूप और कर्म। यही अभ्युदय की सीमा है। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष की अवधि सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। तो नाम रूप कर्मात्मक ही सारा व्यक्त प्रपंच है, ऐसा समय लेने पर हिरण्यगर्भ की प्राप्ति भी उसमें सन्निहित है, क्योंकि हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है और जो कुछ कार्य होता है उसकी पहचान नाम रूप कर्म के द्वारा ही है। तो नाम रूप कर्मात्मक या संसार है। प्रथम ब्राह्मण के अंतिम चरण में, प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में, ये प्रथम अध्याय है उसके अंतिम चरण में श्रुति ने स्वयं ही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को नाम रूप कर्मात्मक माना है। सप्तान्न ब्राह्मण की दृष्टि से विचार करें तो दर्श पौर्णमास या दर्श पूर्णमास, अमावस्या पूर्णिमा का योग प्राप्त होने पर देवों के पोषण की भावना से जो याग विशेष का अनुष्ठान होता है उसी का नाम दर्श पौर्णमास है। अमावस्या से संबद्ध दर्श, पूर्णिमा से संबद्ध पूर्णमास या पौर्णमास है, वो भी एक प्रकार से कर्म ही है।
सात अन्न में देवान्न के दो प्रभेद हैं, दर्श और पूर्णमास। वो कर्मात्मक है। मनुष्य पशु इत्यादि जो मर्त्यलोक के प्राणी हैं उनके अन्न के प्रभेद बहुत हैं, लेकिन संक्षेप में पेय की दृष्टि से दूध, भक्ष्य भोज्य लेह्य, चोष्य की दृष्टि से अन्न। तो यह फल की बात हो गई, भोग्य पदार्थ हो गए, इसलिए फल। उधर जीव के जो तीन अन्न हैं, वाक, प्राण और मन, इनमें वाक के द्वारा नाम की निष्पत्ति होती है, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि, और प्राण के द्वारा कर्म की निष्पत्ति होती है। प्राधान्य न व्यपदेश होता है, यह नियम है। और मन की प्रधानता से ही रूप अर्थात अविधेय की अभिव्यक्ति होती है। तो जीवों के जो तीन अन्न हैं, वाक, प्राण और मन, उनका समावेश भी नाम रूप कर्म में हो जाता है। और भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य पेय, ये जो अन्न के प्रभेद हैं, ये फलात्मक हैं। और दर्श पूर्णमास कर्म कोटि का पदार्थ है। तो सप्तान्न ब्राह्मण को अगर हम प्रकारांतर से ख्यापित करें तो नाम रूप कर्म और फल चार की सिद्धि होती है। पूरी सृष्टि नाम रूप कर्म फलात्मक है, फलात्मिका है। अभ्युदय का अर्थ है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का अर्थ ही होता है नाम रूप कर्म और फल की सब उपलब्धि। पूरा कार्य प्रपंच नाम रूप कर्म और फल इन चारों में जाकर सन्निहित हो जाता है। क्या कह रहे हैं? दर्श पूर्णमास याग विशेष का नाम, तो कर्म तो है। और अन्न जो है फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय का भाष्य है, फलावसानम जगत। तो प्रारंभिक फल क्या है? अन्न की प्राप्ति। कृषि विज्ञान है ना, वृक्षारोपण आदि है, तो उनमें अंत में फल क्या होगा? गेहूं आदि की खेती करेंगे तो गेहूं आदि अनाज की प्राप्ति होगी, एक दाने से 50 दाने। और अंत में आम आदि का वृक्ष लगाएंगे तो आम आदि का फल मिलेगा, तो फल कोटि का अन्न हो गया। उसके बाद सांख्य सूत्र है, याद रखना चाहिए, चिदावसानो भोगा। क्या? चित्त अवसान, चिदावसानो भोगा। सांख्य सूत्र उद्धृत किए बिना ही शंकराचार्य जी ने मांडुक्य आदि के भाष्य में लिखा, दो चार दिन पहले इसकी आम व्याख्या हो गई है, कि जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। चित्त माने प्रज्ञा, ज्ञान, चिदावसानो भोगा। एक हुआ अन्न फल कोटि का, उसके सेवन से जो तृप्ति प्राप्ति हुई वो भी फल है, लेकिन अंत में तृप्ति की अनुभूति फल है। फल का हमने तीन विभाग कर दिया, कौन कौन सा? भोग्य पदार्थ का नाम भी फल है, जैसे आम का फल, गेहूं आदि अनाज, ये फल हैं।
फल का पर्यवसान फल में, फिर उस फल का पर्यवसान फल में, फल के तीन भेद हो जाते हैं। पहला भेद हो गया भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य पेय, पांच प्रकार के भक्ष्यम पंचविधम भगवान शंकराचार्य ने लिखा। भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य और पेय मिलाकर पांच प्रकार हो गए अन्न के। अन्न माने अदन, भक्षण, सेवन का जो विषय है उसका नाम अन्न है। जीव का नाम अत्ता है, अत्ता माने भोक्ता, अत्ता का मतलब है भोक्ता। तो ये चावल दाल रोटी आदि का फिर पर्यवसान किस में हो जाएगा, वाक मन और प्राण में, छांदों के अनुसार फल की पहुंच वहाँ तक हो जाएगी। अंत में सुखानुभूति दुखानुभूति, सुख दुख में, लेकिन पुण्य का फल सुख होगा, सुख का पर्यवसान हो जाएगा सुख ज्ञान में। तो पुण्य कर्म एक, उससे प्राप्त अभिमत सामग्री दो। कर्म का पर्यवसान क्या होगा? अभिमत सामग्री, शक चंदन वनिता भोज्यादि पदार्थ की समुपलब्धि। पुण्य का पर्यवसान, पुण्य कर्म का पर्यवसान हो गया भोग्य पदार्थ में, तो भोग्य पदार्थ का नाम हो गया क्या? फल। उनके सेवन से सुखानुभूति हुई, सुख हो गया फल। अंत में अनुभूति का नाम हो गया फल। तो फल के तीन विभाग हो गए। कल मैंने कहा था कि दर्श पूर्णमास फलात्मक हैं, और ये जो व्रीहि दुग्ध इत्यादि मनुष्य पशु के अन्न हैं, इनको हमने कहा था कि ये द्रव्य कोटि के पदार्थ हैं, क्योंकि भोग्य जो होता है वो द्रव्य होता है। तो दर्श पूर्णमास जो याग विशेष है उसका पर्यवसान हमने मान कर कहा कि दर्श पूर्णमास फल हैं कल का, क्योंकि श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध में एक शब्द आया है, पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। देवता और पितरों के जो शरीर होते हैं द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, विपाक माने फल। द्रव्य सूक्ष्म का अर्थ क्या हुआ? पिता पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त जो उधर स्वाहा स्वधा, स्वधा और स्वाहा, स्वधा और स्वाहा, पितरों के निमित्त स्वधा, देवताओं के निमित्त स्वाहा, इनका पर्यवसान किसमें होता है? आहुति डालते हैं ना, आहुति डालने पर अग्नि के कृपा से, अग्नि की कृपा से क्या होता है कि सूक्ष्म हवनीय सामग्री का सूक्ष्मतम जो विभाग होता है जीवन काल में, तो देवता के निमित्त किया ना दर्श पूर्णमास इत्यादि। छांदोग उपनिषद के भाष्य में इसका बहुत विश्लेषण चला है। मरने के बाद, देहत्याग करने के बाद देवता के निमित्त हमने जो आहुति दी विधिवत, वो देवताओं की तो तृप्ति उससे तत्काल हुई, लेकिन हमको क्या लाभ हुआ? तो लौकिक लाभ हुआ कि बोधयंता परस्परम भावयंता परस्परम, देवता के अनुग्रह से वृष्टि आदि हो गई, भोग्य पदार्थ की समुपलब्धि हुई। लेकिन देहत्याग के बाद क्या लाभ होगा? वो जो हमने देवता के निमित्त यज्ञ किया उसका जो सूक्ष्मतम सार अंश होगा उसी से देहत्याग के बाद हमारे शरीर की संरचना होगी, उसी का नाम है द्रव्य सूक्ष्म विपाक। हवनीय द्रव्य का नाम द्रव्य हो गया, उसका सूक्ष्मतम विभाग जो होगा उसी से हमारा फिर देवलोक या पितृलोक मैं जानने योग्य शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार
और वो जो हमने देवता के निमित्त हवन किया उसका अर्थ क्या होगा? वो जो देवलोक में हमको शरीर प्राप्त होगा, देवता के निमित्त जो हवन किया गया था, देवता के अनुग्रह से वो हमको भोग्य पदार्थ बन के प्राप्त होगा, अमृत इत्यादि। क्या शरीर माने भोगायतन भी वो बन जाएगा, कौन सा? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, ऐसा। उसका क्या हुआ? देवता की तृप्ति तो हुई, लेकिन हमको क्या लाभ हुआ? देवता का अनुग्रह प्राप्त हुआ एक, दूसरा कि वो हवनीय द्रव्य जो था उसी का सार सर्वस्व देहत्याग के बाद क्या होगा? हमको शरीर के रूप में प्राप्त होगा। उन्हीं दिव्य हवनीय द्रव्य से हमारा शरीर निर्मित होगा मानस जगत में, जिसका नाम है द्रव्य सूक्ष्म विपाक। तो भोगायतन बन जाएगा और कुछ अंश क्या होगा? भोग बन जाएगा। तो भोगायतन और भोग की समुपलब्धि में दर्श पूर्णमास का अंतिम पर्यवसान होता है। बहुत सूक्ष्म क्या है यज्ञ विज्ञान, सूक्ष्म, इसीलिए कल कहा था। अभी हो गया ना, ये अन्न जो है फल है, क्योंकि इनका सेवन करते हैं, इनका पर्यवसान सुख में होता है, सुख का पर्यवसान सुखानुभूति में अनुभूति ज्ञान है। सामग्री सुख और सुखानुभूति में अनुभूति, तीन का नाम फल हो गया। फल से फल, फिर उससे भी फल, क्या तीन फल हो गए। भोग्य पदार्थ का नाम फल, दूसरा उससे प्राप्त सुख का नाम फल, लेकिन सुख रहे सुखानुभूति ना हो तो साक्षी भाष्य है ना सुख दुख, इसलिए अंत में फलावसानम जगत और चिदावसान हो भोगा, हो गया। हाँ, ये सब बहुत विशेष विज्ञान है। सत्यनारायण कथा की तरह पंक्ति पढ़ते चलो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, जीवन में दिव्यता का आदान भी नहीं होगा खोल खोल के बोलने से। पाठ भले ही कम चले लेकिन होगा क्या, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। केवल बृहदारण्यक उपनिषद में जितनी सामग्री भाष्य और आनंदगिरी में है, उतनी सामग्री भी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो सर्वज्ञ हो जाएगा। ऋषियों की कृपा है। कल बहुत बढ़िया आया ना भागवत की कथा में, अंगिरा ऋषि के लिए चित्रकेतु ने कहा, तप ज्ञान या विद्या और अंत में समाधि, आप तीनों से संपन्न हैं, इसलिए आपका अंतर्यामित्व उच्छलित है। मुझसे आपने पूछा है, लेकिन जो पूछा है उसका उत्तर आपको स्वयं प्राप्त है। अंतर्यामित्व की अभिव्यक्ति किससे होती है? बीच में है विद्या या ज्ञान, लेकिन आगे है समाधि और पहले है तप। अब जो व्यक्ति ग्रंथ को पढ़ के सुन के विद्वान तो हो गया, धरातल के रूप में तप उसके जीवन में नहीं है, उधर योग नहीं है, समाधि नहीं, उपासना नहीं है, उसका ज्ञान विज्ञान अहंकार में और दूसरों के मान मर्दन में हो जाता है, वो दूसरों को मूर्ख ही कहता रहता है प्रायः। उपासना न करने वाले जो संस्कृत के विद्वान होते हैं, विद्वान चाहे कम ही हों अपने को मान लेते हैं, वो जब तक एक व्यक्ति दस व्यक्ति को जीवन एक दिन में मूर्ख न कह दें तब तक उनको नींद नहीं आती, रोटी नहीं पचती, एक दुर्व्यसन। संस्कृत का दोष नहीं है, अंग्रेजों ने ऐसा विषाक्त वातावरण बनाया कि संस्कृत जानने वाले सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते,
क्योंकि बीच में है विद्या, उसको साधने के लिए क्या चाहिए? तप। और सुस्थिर रूप देने के लिए, दिशाहीनता से बचाने के लिए क्या चाहिए? समाधि, योग। तो योग विहीन, समाधि विहीन और तप विहीन क्या जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो व्यक्ति को सुख देने में समर्थ है। तो अंतर्यामित्व की स्फूर्ति तब होती है जब विद्या को साधने के लिए तप, और उधर क्या हो? समाधि। तप के स्थान पर तप है, विद्या के स्थान पर विद्या है, समाधि के स्थान पर समाधि है, तो समझिए भव तारक है, वो व्यक्ति स्वयं तर सकता है और औरों को भी तारने में समर्थ हो सकता है। एक काशी के पंडित जब पूज गुरुदेव कहते थे कथा वार्ता सुनाओ, तो चुपचाप आके कभी कभी बैठ जाते थे। यहाँ कोई उनके छोटे भाई या कुछ पदाधिकारी रहे होंगे पूरी में, वो आए और मेरे पास बैठ गए, मैं अकेले था यहाँ। अब वो हमको मूर्ख बनाने का प्रयास करने लगे, जैसे कोई परिचित ही ना हो। जब मैं पूज गुरुदेव के पास होता था तो मेरी ओर देखने का साहस तो इन लोगों को होता नहीं था। हाँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा कर दे तो महाराज जी टूट पड़ते आप, इतना मैं लाडला प्यारा था। यहाँ वो पंडित ने प्रयास किया कि मैं मूर्ख हूँ, मैं चुपचाप सुनता रहा। तो मैंने देखा इन पंडितों का सम्मान कौन करेगा, जब तक ये जिससे 10 वर्ष पढ़ें तो भी विद्या कमी होगी, उसको भी मूर्ख सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो समाज में उस विद्या का सम्मान क्या होगा। इसीलिए तप, समाधि, संपन्न जो विद्या है, तपस्वी भी हैं, योगी भी हैं और विद्वान भी हैं, वो अपने लिए औरों के लिए भी क्या होते हैं? वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं। हो गया ना, सप्तान्न का पर्यवसान कितने में हो गया? 4 में। नाम रूप कर्म और फल, नाम रूप कर्म फल। अब नाम रूप कर्म को एक शब्द में बोलना हो तो भाष्यकार भगवान ने क्या कहा? साधन। फल के स्थान पर साध्य। हो गया, 2 शब्दों में पूरी सृष्टि जो भी कार्य वर्ग है उसका समावेश हो गया। 2 शब्द कौन हो गए? साध्य, साधन। जितना भी व्यक्त प्रपंच है, जगत है, संसार है, साध्य साधन रूप है। अब 2 शब्द ले लीजिए और सारी सृष्टि की व्याख्या कर दीजिए। यही सूत्र है ना, सूत्र को व्याख्या चाहिए और व्याख्या का सार सूत्र है। जैसे कमरे में रत्न भरे हो लेकिन ताला हो, एक चाबी ले लीजिए, चाबी से ताला खोल देने पर अंदर प्रवेश हो जाएगा। अंदर प्रवेश होगा तो सब खजाने की सामग्री या भोज्य इत्यादि पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूरी सृष्टि को हृदय में रख करके 2 शब्दों में अगर उसका वर्णन करना है तो क्या कहेंगे? साध्य साधनात्मक जगत, साध्य साधनात्मक, साधन साध्यात्मक क्यों नहीं बोलते? 3 अक्षर वाला साधन है, 2 अक्षर वाला साध्य है, इसलिए बोलने में जिसके नाम में कम शब्द हो वो पहले बोला जाता। शिव पार्वती और गौरी शंकर, लो शंकर में 3 शब्द हुआ तो अब आगे खींचिए, गौरी में 2 शब्द है पहले। और भले ही आप जगत जननी हैं, शिव पार्वती और गौरी शंकर, गौरी पहले आ गई क्योंकि 2 ही अक्षर है, तो नाम छोटा हो तो अच्छा है। सीताराम में दोनों है ना, राम सीता कहने में खटकता है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, लेकिन गौरी शंकर जब कहेंगे फिर शिव पार्वती कहेंगे। गौरी शंकर में गौरी पहले आ गए, शिव पार्वती में 2 अक्षर है, सीताराम में सीता फिर राम, ठीक है। सीता इसमें विचित्र बात है, सी भी दीर्घ, ता भी दीर्घ, और राम
रात तो दीर्घ है, मौ दीर्घ नहीं है। सीता राम उच्चारण में सीता, फिर राम राम रामा नहीं, हरे रामा अलग बात, सीता राम उसमें सीता जी पहले आई माता को, लेकिन शब्द का इसलिए साधन साध्य रूप जगत है कह सकते हैं, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन लघुता जिसमें है, कम अक्षर किसमें है, साध्य में, साध्य साधनात्मक जगत है। क्रियाकारक कारक क्रिया, कारक की सिद्धि होगी तब तो क्रिया की सिद्धि होगी, शब्द का विन्यास भी है, ये सब भी सीखना चाहिए। कारक क्रिया बोलेंगे या क्रियाकारक बोलेंगे, क्रिया में क्रिया की सिद्धि भले ही बाद में हो, लेकिन दो ही शब्द अक्षर हैं, कौन क्रिया और कारक में तीन हो गए। और लघुता जिसमें है उसको पहले, गुरुता जिसमें है माने अधिक अक्षर जिसमें है उनको बाद में, राम सीता सीता राम कहते हैं, मातृ शब्द है उनका सम्मान पहले। और गिरा अर्थ यहाँ भी, अब दोनों तो गिरा भी दो अक्षर वाला, अर्थ भी दो अक्षर वाला, गिरा अर्थ तो उसमें क्या कह, अर्थ गिरा कहने में खटकता है, गिरा अर्थ कहने में वाक्य का विन्यास ठीक बनता है, ये शब्द की मर्यादा। चलो भाई अब इसी में न रह जाए। अब यह जो पंक्ति है बहुत टेढ़ी मेरी है, आनंद गिरी जी की चकरा देने वाली है, उसका समझना भी कठिन। कौन से कर्म फलम संसार से प्राक्तदनुष्ठानात् तदभावान् मुक्तानां पुनर्बन्ध स्यात् इत्याशंक्याः इदमेवेति। कर्म फल ही तो संसार है, संसार का अर्थ है कर्मफल। नाम क्या है? संसार, सम्यक सार, फल का नाम होता है ना सार, नाम है संसार है या असार तभी तो वैराग्य की आवश्यकता। नाम क्या है वो कैसे ये बोलेंगे, क्योंकि रबड़ी कचौरी का भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा नाम क्या है इसका? हाँ अरे बहुत धीमे से बोल रहे, संसार, संसार सारम भगवान का नाम क्या है? भुजगेंद्र हरम, संसार के भी सार भगवान हुए, सार के सार, सम माने सम्यक सार माने कर्म का फल जो होगा वही संसार। नाम है संसार क्यों है? क्यों कर्म का फल है, फलावसानम जगत। सम्यक सार है या असार? संसार से वैराग्य होना क्या संसार वैराग्य करने योग्य है या राग करने योग्य? अरे सार संसार माने विशेष रूप से सार, सम्यक सार, जो सम्यक सार है वो तो राग करने योग्य है, लेकिन उससे वैराग्य होना बड़ा कठिन है। सार से भी वैराग्य, संसार माने सम्यक सार, उससे वैराग्य, इसलिए विरक्त व्यक्ति दुर्लभ है। क्या संसार से जो विरक्त हो गए तो बहुत विचित्र पहली है ना, सार तो ग्रहण करने योग्य है, सार का भी सार हो गया संसार, उससे विरक्त जो हो गया उसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी। भले ही यह फलात्मक है, संसार है, लेकिन असार ही है, भगवान के बिना असार। ये कहते कर्म का फल अगर संसार है तो जब कर्म का अनुष्ठान नहीं हुआ तब ये पहली सृष्टि कैसे बन गई? वल्लभ संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय आदि की दृष्टि से विचार करें तो जो लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा से जगत बनता है, अनादिकाल से यह संसार नहीं है,
हमारी गणना के अनुसार भले ही हम न बता सकें कितने अरब खरब वर्ष पहले प्रथम संसार बना, पहली बार दुनिया बनी, लेकिन कभी न कभी तो दुनिया बनी। प्रथम सृष्टि कभी न कभी हुई। जब प्रथम सृष्टि कभी न कभी हुई तो जीवों के तो कोई कर्म थे ही नहीं उससे पहले। बिना कर्म के संसार की प्राप्ति हो गई, यह एक विचित्र बात। प्राग तदनुष्ठानात् तत् अभावात् मुक्तानां पुनर्बंध स्यात्। अब कहते हैं कर्म के अनुष्ठान से तो फिर संसार बनता है, लेकिन जब प्रथम संसार बना या जीव को प्रथम बार जन्म हुआ, जब कभी हुआ हो, तो कर्म तो उसने किया नहीं, भगवान की इच्छा से हो गया संसार। तो भगवान की इच्छा पर डाल देते हैं। तो वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा, कर्म निरपेक्ष अगर संसार की समुत्पत्ति मानते हो तो भगवान में दो दोषों की प्राप्ति होगी। पहला दोष क्या होगा? वैषम्य, भगवान विषम है। दूसरा होगा नैर्घृण्य, घृणा का अर्थ संस्कृत में दया होता है प्राय। नैर्घृण्य माने निर्दय, किसी को नरक में, किसी को लुंज पुंज बना दिया, किसी को काला, किसी को शेर, किसी को चीता, किसी को गीदर, किसी को उर्वशु, किसी को उल्लू। तो भगवान में विषमता और निर्दयता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति ना हो, इसलिए प्रवाह रूप से संसार को बीज वृक्ष के समान अनादि मानना पड़ता है। अब चार्वाक सिद्धांत को लेकर दो दोषों की प्राप्ति होती है। एक दोष है अकृताभ्यागम, दूसरा दोष है कृत विप्रणाश। हम जब जीव को अनित्य मानते हैं, प्रथम जन्म और अंतिम नाश, प्रथम जीव पहली बार जन्म लेता है और अंत में मर भी जाता है, न पूर्व जन्म न पुनर्जन्म। चार्वाकों के अनुसार हम लोगों का पहली बार ही जन्म हुआ है, अब मरना जो है हो गया, जीवन खत्म, जीव का ही नाश हो जाता है। तब प्रश्न उठता है कि जब जीव ही नहीं था इससे पहले, भूत चतुष्टय के संघात से चेतना की निष्पत्ति होती है, इसलिए चेतना विशिष्ट शरीर का नाम जीव है। उनके यहाँ जीव कोई देश से व्यतिरिक्त पृथक तत्व नहीं है। जैसे हल्दी का रंग पीला और चूने का रंग सफ़ेद, दोनों को मिला देने पर लाल रंग की निष्पत्ति हो जाती है, ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जो भूत चतुष्टय हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत जो भूत चतुष्टय हैं, वे आपस में मिलते हैं, उससे चेतना की भी निष्पत्ति हो जाती है। जैसे महुआ आदि के पुष्प को सरा दो तो मादकता शराब की, मध्य शराब की निष्पत्ति हो जाती है, मादकता उसमें आ जाती है। इसी प्रकार से बासी चावल, यहाँ तो बहुत पाते हैं, क्या कहते पखावज क्या कहते, हाँ हमने आते ही सबसे पहले वही बंद किया। छत्तीसगढ़ में भी चलता, मिथिला में भी ये चलता, बहुत दूर तक इसकी प्रति, और इसी से व्यक्ति आलसी होता है। रात में जो यहाँ हम आए थे ना, तो इतना 100 व्यक्ति भोजन कर सकें, श्री जगन्नाथ जी के यहाँ से प्रसाद आता था, हमारे बाद इतना षड्यन चला सब बंद। यही है मठ के जो पहले व्यवस्थापक लोग थे, कहाँ से तालमेल बैठा के कुछ एक दाना भी नहीं। तो हम क्या है, जगन्नाथ जी देते ही हैं, लेकिन फिर ये बच्चे लोग क्या करते थे, जो होते थे पाया 10-15 विद्यार्थी हो, बाद में उसमें पानी डाल दिया रात में, सड़ने से बच गया वो। फिर नमक ले लिए, मिर्चा ले लिए, और क्या अचार, चटनी अचार, उसको क्या चावल को ले लिया उसके साथ, फिर बहुत प्रेम से पाते लोग। और हमने आते ही सबसे पहले उसी पे प्रतिबंध लगाया,
इससे तो सब आलसी हो जाएंगे और सब ऐसे झूमेंगे नशे में। तो क्या हुआ, मादकता आ गई ना एकाएक, मादकता विहीन अनाज का पर्यवसान मादकता में हो जाता है। इसलिए जर जो भूत चतुष्टय प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं, इनसे ही चेतना की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे स्वेदज जो प्राणी होते हैं, मलमूत्र पसीना रक्त आदि से उत्पन्न, ये सब मलमूत्र पसीना रक्त इत्यादि जड़ वस्तुओं से चेतन चेतना संपन्न कृमि आदि की उत्पत्ति हो जाती है, बिच्छू आदि की। तो अकृताभ्यागम दोष उनके यहाँ हुआ या नहीं, जीव ही नहीं था तो जीव ने कर्म भी नहीं किया, बिना कर्म के फल मिल गया। इसका क्या नाम है, अकृताभ्यागम, अकृत की प्राप्ति। दूसरी बात है, किसी जीव में वह क्षमता नहीं है कि एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उन सब का फल भोग कर ही देहत्याग कर सके, है किसी में क्षमता? अगर ऐसी क्षमता होती तो जन्म ही क्यों होता। हमारा आपका जन्म सिद्ध करता है, कोई भी ऐसा चतुर जीव नहीं है एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है उन सब का फल भोग करके ही देहत्याग करे, अवशिष्ट कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म होता। लेकिन बिना तत्व ज्ञान के ही मृत्यु मात्र से मुक्ति मानेंगे तब क्या होगा, इस जीवन में जो उसने खोटे खरे कर्मों को किया उनका पूरा फल तो उसे मिला नहीं, तो बिना फल दिए ही कर्म नष्ट हो गए। इसका नाम है कृत विप्रणाश, बिना किए हुए का फल मिल गया अकृताभ्यागम, और किए हुए का फल बिना भोगे मिल गया। केवल ज्ञान में वो क्षमता है कि संचित कर्म में तत्व ज्ञान से आग लग जाती है, ज्ञानाग्नि से संचित कर्म फिर अरबों जन्म देने की क्षमता क्यों न रखते हों, तत्व ज्ञान होने पर सब में आग लग जाती, प्रारब्ध का भोग से नाश हो जाता है। तत्व ज्ञान के बाद जो कर्म होता है क्रियमाण वह कर्म हो जाता है, अकर्म हो गया तो संचित में जाके नहीं मिलता, संचित का नाश हो जाता है। केवल जितने कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त शरीर है उन कर्मों का फल भोग लिया जाता है, चाहे गोली का तीर का प्रयोग कर दिया बाद में मालूम पड़ा जिस पर किया है मारने योग्य नहीं है, अब आपके हाथ में नहीं है वो, तो आपके हाथ से चला गया तीर, आपके हाथ से तो गोली चली गई, वो लक्ष्य तक पहुँचेगी ही। इसी प्रकार जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ किया है वो तो फल देंगे ही। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तत्यनुकंपांशु समीक्षमाणा आत्मकृतम भुंजान भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया है उसका फल भोगे बिना किसी नोक झोंक के, और भगवान की कृपा का अनुशीलन करे, अनुदर्शन करे, अनुशीलन करे तो जीवेत सद मुक्ति पदे सदाय भाग दाय भाग, मुक्ति उसको जरूर मिलती है। चिंता विलाप रहित होकर प्रारब्ध का फल भोग ले, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करे, ये कार्य है। भगवान की विशेष कृपा होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, अथवा भगवान की कृपा बरस रही है उसका अनुशीलन अनुदर्शन करे, तो सार ये निकला कि दोषद्वय चार्वाक सिद्धांत में, पहला दोष अकृताभ्यागम, दूसरा दोष कृत विप्रणाश, तब यहाँ पर चला। अब मुक्त व्यक्ति जो है कर्म का फल संसार है ये तो मान लिया, लेकिन बिना कर्म का फल भी तो संसार है। अगर यहाँ के पूर्व पक्ष को नंगी भाषा में बोलें तो आप कहते हैं कि कर्म का फल संसार है, तो बिना कर्म का फल भी तो संसार है।
बिना कर्म का फल संसार है, इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले किसी प्राणी की उत्पत्ति हुई या प्रथम सृष्टि की संरचना हुई काल्पनिक ढंग से, तो बिना कर्म के फल मिल गया यानी संसार की उत्पत्ति हो गई या नहीं? तो कर्म का फल संसार है, इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम सृष्टि की दृष्टि से क्या हुआ, अकर्म का फल भी तो संसार हो गया। तो एक व्यक्ति मुक्त हो गया, ठीक है, मुक्त हो गया तब फिर उसका जन्म भी हो सकता है। जिस जीव के कोई कर्म ही नहीं थे उसका जब जन्म हो गया, क्या जिस जीव के कोई कर्म ही नहीं थे या जीव ही नहीं था, या जिस जीव के कोई कर्म ही नहीं थे उसका जन्म हो गया, तो अकर्म का फल भी तो संसार हो गया। तो मुक्त जीव के कर्म नहीं रहते, जो मुक्त जीव हो गया उसके तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, तो अकर्म का फल फिर संसार क्यों नहीं होगा, मुक्त जीव भी पुनर्भव को क्यों नहीं प्राप्त होंगे? बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूर्व पक्ष है। इदमेव त्रयम् प्रागुत्पत्ते तरह व्याकृत मासीत। अब इस पर भाष्यकार भगवान कहते हैं ऐसा है कि नाम रूप कर्मात्मक हमने किसको कहा है, व्यक्त को या व्यक्त को? हाँ, व्यक्त को। तो व्यक्त के मूल में कौन है? अव्यक्त। तो यह जो सृष्टि है ये नाम रूप कर्मात्मिका है, यही तो कहा। नाम रूप कर्म अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। नाम रूप का व्याकरण होता है, माने अव्याकृत, जब व्याकृत भावापन्न होता है तब उसका नाम नाम रूप होता है। नाम रूप जो विभाग है वो व्यक्त को लेकर है या व्यक्त को लेकर? तो जैसे वृक्ष का पर्यवसान बीज है, बीज का पर्यवसान वृक्ष है, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से वृक्ष के मूल में बीज है, ऐसे ही सूक्ष्मता की दृष्टि से व्याकृत प्रपंच के मूल में अव्याकृत है। अव्याकृत शब्द जल्दी न समझ में आवे तो अव्यक्त समझना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, गीता का दूसरा अध्याय। व्याकृत माने व्यक्त, अव्याकृत माने अव्यक्त, इस प्रकार। तो कहते हैं यह जब सृष्टि नहीं रहती तो सृष्टि का सर्वथा उच्छेद नहीं होता, फिर क्या होता है? अव्यक्त भावापन्न होकर संसार रहता है, जगत रहता है। नाम रूप कर्म का उस समय विभाजन नहीं होता। नाम रूप कर्म तीनों घनीभूत एकीभूत होकर रहते हैं। नाम रूप कर्म जैसे कि गाढ़ी नींद में अव्याकृत दशा को हम आप प्राप्त होते हैं, प्राज्ञ भावापन्न होते हैं, तो उस समय नाम रूप कर्म एकीभूत होकर रह जाते हैं। ऐसे तो व्याकृत के मूल में अव्याकृत और अव्याकृत से व्याकृत की उत्पत्ति, रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, इसी प्रकार से महाप्रलय की दशा में अव्याकृत भावापन्न रहता है संसार, भोक्ता और भोग्य दोनों अव्याकृत भावापन्न रहते हैं, उन्हीं का व्याकरण होता है। व्याकरण का अर्थ क्या है? विस्तार। महाभारत में लिखा सबसे ऊंचे वैयाकरण, माने व्याकरण के विद्वान कौन है? भगवान। व्याकरण में क्या होता है जी? फैलाव होता है ना, धातु रूप शब्द रूप काल वचन आदि को लेकर ये सब में विस्तार हो जाता है। भगवान ने भी अपने को ही सृष्टि के रूप में विस्तृत किया, तो भगवान व्याकरण, सृष्टि व्याकरण है। व्याकरण माने विस्तार। किसका विस्तार है? अव्याकृत का विस्तार, अव्याकृत का व्याकरण या सृष्टि है। अव्याकृत का व्याकरण माने विस्तार या सृष्टि।
इसीलिए फिर पूर्व मीमांसक जो प्रलय को नहीं मानते वो क्या कहते हैं, न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, कभी सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, माने प्रलय दशा व्याकृत दशा को नहीं मानते हैं कौन, पूर्व मीमांसक। ईश्वर हमारे गले न पड़ जाए इसलिए बहुत से दाव पेंच, यह आवश्यक नहीं है कि निरीश्वरवादी अवैदिक ही हो, ईश्वर को न मानने वाले भी वैदिक होते हैं, जैसे सांख्यवादी और पूर्व मीमांसक क्या वेदों को मानते हैं ईश्वर को नहीं मानते, और वेद को नहीं मानते और ईश्वर को मानते हैं कौन, क्रिश्चियन और मुस्लिम तंत्र वाले, वेद को न मान करके भी ईश्वर को मानते हैं और वेद को मान करके दो जो हैं ईश्वर को नहीं मानते कौन, सांख्यवादी और पूर्व मीमांसक। हाँ रहो हमारी मौज है, माने न माने उसमें क्या, वेद में ईश्वर का प्रतिपादन है तो वैदिक है या नहीं, सांख्यवादी और पूर्व मीमांसक वैदिक है या नहीं, पर ईश्वर को कहाँ मानते, इनको आश्चर्य लग रहा है, वैदिक तो है ये पर ईश्वर को कहाँ मानते, अनिश्वरवादी, और वो अवैदिक हैं कौन, गॉड वाले खुदा वाले, लेकिन ईश्वर को मानते हैं, तो वेद बड़ा हुआ या ईश्वर कट है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे मीमांसकों की दृष्टि में वेद ही बड़ा हुआ, वही तो कह रहे हैं ना, और सांख्यों की दृष्टि में भी वैदिक है लेकिन अनिश्वरवादी, उसका तात्पर्य क्या है, ईश्वर को मानने से जो प्रमाद पलता है वो ईश्वर तक नहीं पहुंचने देता। अभी भारत में ये भारत की प्रगति क्यों रुकी हुई है, दो प्रकार पेटेंट हैं समझे, कौन कौन, प्रारब्ध और परमात्मा, अपना स्वार्थ जब आता है न प्रारब्ध दिखता है न परमात्मा दिखते, हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हो रही है, अपना स्वार्थ आता है, लड़की को विवाह होना होगा तो हो जाएगा, हमें क्या प्रयास करना, बेटा को विद्वान होना होगा प्रारब्ध में तो हो जाएगा, हमको विद्यालय क्यों भेजना है, कोई सोचता है, रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिल रहा है, हाथ पे हाथ रख के रखता है, जितना स्वार्थ है उसमें प्रारब्ध को व्यक्ति फटकने नहीं देता, परमात्मा को, परमात्मा की इच्छा होगी तो रोटी मिल जाएगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिले, नहीं फटकने देता। अब राष्ट्र की रक्षा, गाय की रक्षा, बाण बिंदु की रक्षा की बात करें तो बाबा लोग भी कहते हैं क्या, बाबा लोग भी क्या कहते, प्रारब्ध में होगा तो गाय जीवित रह जाएंगे, उनको कटना ही होगा तो कौन मना करेगा, समझ गए, ईश्वर जब चाहेंगे गाय की रक्षा कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो ईश्वर की इच्छा या कट दे दो, बड़े स्वार्थी बेईमान हो गए ना, अपना कोई भी काम हिंदू जो है प्रारब्ध परमात्मा पे नहीं सौंपता, बाबा हो या बाबू, जब समष्टि हित की बात आती है तो प्रारब्ध परमात्मा, तो प्रारब्ध परमात्मा के नाम पर व्यक्ति प्रमादी ना बन जाए, इसलिए पूर्व मीमांसकों ने कहा अगर हम महाप्रलय मानेंगे, अव्यक्त दशा में सृष्टि रहती है तब सृष्टि की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी, तो बिना सर्वज्ञ परमात्मा को माने, उरियावाजी महाराज से वेदांती ने कहा तो बाबा क्या ईश्वर ने जगत बनाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा दादा ने बनाया, अरे ईश्वर ने बनाया तो तुम्हारे दादा ने बनाया, माने ऐसे वेदांती जो ईश्वर पर ही कटाक्ष कर, ईश्वर के खंडन में तात्पर्य नहीं है पूर्व मीमांसकों का, ईश्वर के नाम पर क्या होगा प्रमाद न पड़े, यहाँ होता है ना,
प्रायश्चित वाला मंत्र पढ़ लीजिए, जो भी भूल रह गए हो एक मंत्र पढ़ लीजिए, सब भगवती के पास से भगवान के पास दूर हो जाए। पूर्व मीमांसा कहते ईश्वर नहीं है, तुम भूल करोगे प्रत्यवाय का फल मिलेगा। जीवन में ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले, इसलिए पूर्व मीमांसा कहते कोई बचाने वाला नहीं, इतना अप्रमत्त रहो। फूल आदि जो बनाते हैं मशीनों से खेल कर, जो कपड़े आदि बुनते हैं, कब गर्दन कट जाए कब नीचे गिर जाए, कहा कि ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले, इसलिए वो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को तब मानना पड़ेगा महाप्रलय माने, तो पूर्व मीमांसक ईश्वर को क्यों नहीं मानते? ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले। एक सांख्यवादी क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि ईश्वर के ऐश्वर्य का जब वर्णन सुनेगा व्यक्ति तो वैराग्य में शिथिलता आ जाएगी। क्या हम भी राष्ट्र सिद्धि प्राप्त कर लें, नवनिधि प्राप्त कर लें? ऐसे वृंदावन में एक बाबा रासलीला देख रहे थे, सच्ची बात है, 60-70 वर्ष पहले की बात, रासलीला देख रहे थे, तो उनके मन में हुआ अपने लिए तो इतनी देवियाँ, एक देवी हमको भी दे दो। रासलीला के गर्भ से विवाह की भावना जग गई, अंत में गृहस्थ हो गए। लो सच्ची बात है, रासलीला में कहा अपने लिए इतनी देवियाँ, हाय मैं तो मारा गया, मेरे लिए एक भी नहीं। भगवान ने सोचा ठीक है, जब रासलीला का फल यही है बाबा का घर का बाबा हो जाना, लो एक पत्नी विवाह कर लिया। इसका मतलब ईश्वर की विभूति का भी वर्णन करने पर हमारा वैराग्य शिथिल ना हो जाए, इसलिए। लेकिन ईश्वरवादी ऐसा अर्थ लगाते हैं, पूर्व मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर गले न पड़ जाए इसलिए क्या करते हैं, फिर प्रलय ही नहीं मानेंगे। प्रलय मानेंगे तो सृष्टि की रचना स्वीकार करनी पड़ेगी, सृष्टि की रचना स्वीकार करेंगे तो कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही अव्यक्तित्व को व्याकृत भावापन्न कर सकता है, व्याकृत कर सकता है, अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है, इसलिए ईश्वर ही मत, महाप्रलय ही न मानो। उनका क्या कहना है, खंड प्रलय होता है, कभी कुछ अंश टूट गया फूट गया, महाप्रलय की स्थिति नहीं है, न कदाचित अनिदृशम जगत। यह हुआ कर्म फल का, कोई दाता भी किसी को नहीं मानते होंगे कि जैसे प्रारब्ध तो नहीं मानेंगे, लेकिन कर्म को ही प्रारब्ध तो मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, पूर्वजन्म मानते हैं, पूर्वमीमांसा। कर्म का फल ईश्वर देता है ये नहीं मानते, कर्म इतना समर्थ है कि फल दे देता है। और भी है, नास्तिकता ना आ जाए इसलिए मैं बच के बोल रहा हूँ, वो जो परम वैदिक है, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ये जो निरुक्त है ना यास्क प्रणीत, उसमें तो देवता का अस्तित्व माना गया है, लेकिन जो कट्टर जड़ मीमांसक होते हैं पूर्व मीमांसक, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, तो इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ ना, हम लोग देवता को विग्रहवती मानते हैं। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए विग्रहवती कहना पड़ता, विग्रहवाद। हिंदी में देवता पुल्लिंग, संस्कृत में स्त्रीलिंग मानते हैं। देवता जो विग्रहवती विग्रहवाद है वो नहीं मानते, तो क्या कहते हैं, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ये जो शब्द वैदिक शब्द के में जो वैदिक शब्द है ना, इंद्राय, इंद्राय है तो इंद्र की सिद्धि हो गई, इंद्र की सिद्धि हो गई। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इसमें इंद्र आदि देवताओं का नाम है। वैदिक शब्द के द्वारा जो देवता की सिद्धि होती है वो शब्द ही इतना समर्थ है कि वो फल दे देता है, सचमुच में कोई देवता विग्रह युक्त होते हैं ऐसा नहीं, वो लोग ये मानते। स्वर्ग कोई लोक विशेष होता है पूर्व मीमांसक भी नहीं मानते। स्वर्ग का अर्थ है उनके यहाँ
यन्न दुखेन संभिन्नम नच ग्रस्त मनंतरम। पुण्य कर्म के परिपाक का स्वरूप जीव को देहत्याग के बाद वह दशा प्राप्त होती है, यन्न दुखेन संभिन्नम नच ग्रस्त मनंतरम, जिसमें दुख बिल्कुल न प्राप्त हो और भविष्य में भी जिसका क्या हो, हान ना हो, जिसकी क्षति ना हो, जिसका अभाव ना हो। यहाँ तो कहते क्षीणीय पुण्य मर्त लोकम विसंति, वो नहीं, वो कहते यन्न दुखे न संभिन्नम न चग्रस्त मनंतरम, भविष्य में भी दुख न मिले और दुख का तनिक भी अंश न मिले, वही स्वर्ग है। वो स्वर्ग का लक्षण तो विशुद्ध आत्मा में ही जाता है, लोक विशेष को वो स्वर्ग नहीं मानते। तो फिर पूर्व मीमांसक क्या कहते हैं, आपने कहा ना ईशावास्यमिदग्भम सर्वम, ये भी वेद है या नहीं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय या ईश्वर का वर्णन है या नहीं। अब पूर्व मीमांसा पे बोल रहे हैं, पूर्व मीमांसा क्या मानते हैं, जीव के शुद्ध बुद्ध मुक्त होने का जहाँ वर्णन है उपनिषदों में, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वहाँ कर्ता की स्तुति में उन वचनों का प्रयोग है, ठीक है। और सृष्टा ईश्वर का जहाँ पर वर्णन किया गया है वहाँ पर द्रव्य की स्तुति में उसका भी नियोग है, ठीक। अर्थात अर्थवाद परक स्तुति, ईश्वर परक वचन जो है, जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त जहाँ माना गया, न कर्ता है न भोक्ता, आगे आवेगा प्रमाता पहले होगा, प्रमातृत्व की सिद्धि होगी तो कर्तृत्व की सिद्धि होगी, कर्तृत्व की सिद्धि होगी तो भोक्तृत्व की सिद्धि होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि कर्ता की प्रशंसा, जीव कर्ता भोक्ता ही होता है। अब जहाँ पर उपनिषदों में कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित, गीता में भी कहा गया 5वें अध्याय में, वो स्तुति परक वाक्य, शाबाश मेरे राजा बेटा, क्या कहना। अब बेटा राजा तो नहीं है, ये है छोटी बच्ची को क्या, रानी, शाबाश रानी, रानी। एक वो पंडित जी की बेटी, पंडित जी यहाँ रहते थे, उनकी बेटी का नाम था रानी, और एक आ गया वो बंगाल का, उसका नाम था राजा, आजकल वकील हाईकोर्ट में, वो सब दिखते नहीं। फिर उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा रानी। किसी ने पूछ दिया तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा राजा। न हो राजा न हो रानी, घर की बच्ची का नाम रानी, घर के बच्चे का नाम राजा, न हो राजा न हो रानी। इसका मतलब अर्थवाद है, जीव कर्ता भोक्ता ही है, उसे शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप से ख्यापित करना जो है अर्थवाद है। जीव को वर्चर के बताया गया, जीव की प्रशंसा में, कर्ता की प्रशंसा में शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव है, इस वचन का तात्पर्य। और उत्पत्ति परक जो, उत्पत्ति परक जो वचन है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूता, द्रव्य की प्रशंसा में विनियुक्त है, वास्तव में न कदाचित अनिर्दिष्टम। ईश्वर परक जो वचन है ये देवता की स्तुति में विनियुक्त, कर्ता की स्तुति, देवता की स्तुति और द्रव्य की स्तुति में इन सब का वचन। सृष्टि परक स्तुतियाँ जो हैं वो द्रव्य की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, ईश्वर परक जो वचन है वो देवता की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, और जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त जो माना गया है वो कर्ता की स्तुति में उन वचनों का विनियोग। फिर उसके लिए क्या कहते हैं, आप कहेंगे ना कि उपनिषद में ईशावास्यम लिखा है, तो और भी जो घन जड़वादी पूर्व मीमांसक होते हैं वो कहते हैं कि ये सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ये सब विद्या लुप्त हो रही है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नहीं रह गए। घन घोर और घनीभूत जड़ता से संपन्न जो पूर्व मीमांसक होते हैं वो कहते हैं
ईशावास्यम, ये सब जो मंत्र हैं इनका कोई अर्थ नहीं, शब्द ही शब्द हैं, अर्थ कुछ नहीं है, तो फिर व्यर्थ हैं ये, इनको हटा दो वेदों से। तो कहते नहीं, स्वाध्यायो देतव्य, स्वाध्याय माने स्व अध्याय, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। इस विधि से समग्र वेद अध्ययन का विषय बनता है। तो वेद में यजुर्वेद कोई पढ़ेगा, माध्यम दिन हो या कर्ण हो शाखा, तो अंतिम अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद होगा, अंतिम अध्याय का भी पाठ करेगा तब वेद पाठ पूरा माना जाएगा या नहीं। तो कहते हैं कि नहीं पाठ करोगे, भले ही ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कोई अर्थ ना हो, लेकिन पाठ नहीं करोगे तो स्वाध्याय विधि की पूर्ति नहीं होगी। स्वाध्याय विधि की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, वेद पाठ का फल तुमको नहीं मिलेगा, प्रत्यवाय लगेगा। इसलिए ईशावास्यम इत्यादि का कुछ अर्थ ही नहीं होता, लोग अर्थ ही नहीं होता तो सब फिर का तो व्यर्थ है। नहीं, स्वाध्याय में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। दूसरी बात है, फलप्रद कैसे होंगे जब इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो सावर मंत्र के समान। क्या उत्तर देते, सावर मंत्र रामचरित मानस, सावर मंत्र जाल जही सिरजा, गिरिजा के पति शिव जी ने सावर मंत्रों के समूह की रचना की। सिरवारे सिरवा तोहर सिरवा, सिरवारे सिरवा सठे सिरवा, पर गए कालक लागे मुखे बोल, घर के ले कमाल विमाल घरवा, यते मानुष के खेले उठकर विश्राम, सत्य धर्म तो ही पूछाओ, सापन सर्पा की तोड़ नाम, हाथ चले हथानी चले, वास विश्चाल नारी चले, कर्म चले धर्म चले, सावर मंत्र। इसका अर्थ न मुझे मालूम, जिसने बताया उसे भी नहीं मालूम, लेकिन सर्प का विष नष्ट हो जाता इस मंत्र से। सिरवा रे सिरवा तोहर बेगम कहाँ सिरवा, सठे सिरवा पर गए कालक लागे मुखे बोल, घर खेले का माल बीमाल घरवा, यते मानुष खेले उठकर विश्राम, सत्य धर्म तो ही पूछूँ, सापुन सरपा की तोर नाम, हाथ चले हथानी चले, पांच करियों में पहले याद था, अब कुछ कुछ याद रह गया। इसका नाम है सावर मंत्र। सावर मंत्र माने न छंदोबद्ध भी नहीं है, न उसका अर्थ होता है, लेकिन शब्द की अचिंत्य शक्ति, जिस मंत्र से जो फल मिलना चाहिए उस मंत्र से उस फल को देने में समर्थ। जैसे सामवेद है, सामवेद में क्या होता है, स्तोभ, राग रागनी की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे शब्द उसमें होते हैं स्वभाव से, जिनका अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन राग रागनी की पूर्ति के लिए, जैसे हिंदी में भी गा आ, उसका अर्थ कुछ नहीं है, वो जो राग अलापते हैं वो तान का क्या है, पूरक है। इसी प्रकार से, लेकिन वो सामवेद पाठ करना होगा तो जिनका अर्थ नहीं है उनको भी पाठ करने पर फल होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हो गए अधिकांश जिनका अर्थ होता है, कुछ ऐसे हो गए कि तालमेल राग रागनी बैठाने के दृष्टि से, वो गान के दृष्टि से प्रयुक्त है, प्रयुक्त होने पर, निरर्थक होने पर भी वेद पाठ का फल तभी मिलेगा जब उन शब्दों को भी क्रमशः पढ़ेंगे। तो पूर्व मीमांसकों में जो घन पूर्व मीमांसक होते हैं वो कहते हैं ईश्वर परक वचन ही नहीं, ये सब केवल सावर मंत्र के समान क्या है, पाठ के लिए है, इनका कुछ अर्थ नहीं होता। जो कहते हैं इतना अत्याचार मत करो भाई, अर्थ होता है, तो फिर वो तीन युक्ति ले आए, जीव के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आदि का जहाँ वर्णन है वो क्या है, कर्ता भोक्ता की प्रशंसा में प्रयुक्त और विनियुक्त है, और ईश्वर का जहाँ वर्णन है वहाँ देवता की स्तुति में, क्योंकि यजमान कौन होगा, ऋत्विक कौन होगा, जीवे तो होगा, और द्रव्य आकाश आदि से निष्पन्न जो ब्रीही इत्यादि हैं, तो द्रव्य की स्तुति में कौन हुए, सृष्टि परक स्तुति का तात्पर्य किसमें संदिग्ध है, द्रव्य की स्तुति में, और देवता की स्तुति में ईश्वर परक वचन का तात्पर्य है, और जीव को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बताने में कौन सा, वो जीव को कर्ता की स्तुति में, यजमान और ऋत्विक की स्तुति में, कर्ता की स्तुति में इसका विनियोग है।
ये मध्यम कोटि के हुए। अब जो यास्क मुनि हैं वो देवता को ऐश्वर्यशाली मानते हैं, शब्द मात्र ही देवता नहीं, वास्तव में ब्रह्मसूत्र में आया देवताधिकरणम। तब प्रश्न उठा कि अर्थवाद से सिद्ध हैं देवता, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ, तो कहते हैं कि हाँ, अर्थवाद में जब भूतार्थवाद होता है तो वो केवल प्रशंसा या निंदा में प्रयुक्त या विनियुक्त नहीं, उनका अपना अर्थ भी होता है, इस प्रकार से पूर्व मीमांसक। लेकिन कुमारिल भट्ट जी ने कहा कि देखो, वेदांत नयेना, जो वकील होता है ना, जिसका मुकदमा लेगा उसको जिताने के लिए बहस करेगा, चाहे उसका पक्ष दुर्बल हो या कुछ, उसको प्रबल बना के बताएगा। तो बात करते करते लिखते लिखते कुमारिल भट्ट जी के सामने पहली आ गई, तो उन्होंने कहा देखो, मैं पूर्व मीमांसा का इस समय पक्षधर हूँ, पूर्व मीमांसा की सीमा में मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा को ख्यापित करूँगा तो कर्म कांड उपासना कांड का लोप हो जाएगा। अरे कर्म और उपासना को कौन चाहिए, कर्ता चाहिए या नहीं? जब हम आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन मानेंगे और इस ज्ञान को पचाने की क्षमता है नहीं, और पहले से हमने कह दिया शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप है जीव, तो जीव जब कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं होगा तो न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बचे बांसुरी, तब क्या होगा? कर्म और उपासना का ही लोप होगा। कर्म उपासना का लोप होगा तो वहाँ तक पहुँचने का कोई अधिकारी नहीं बचेगा, तो अधिकारी तो बनने दो, अभी चर्चा मत करो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये सब फिर क्या है, ये सब जैसे आजकल हो गए वेदांती, क्या हलवा पूरी पे टूट पड़ते हैं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भी कहते हैं। एक बार हमको बहुत हमको यातना मिली है स्वामी जी, क्या धर्मसंघ वालों ने कहा, ये लक्ष्मण चैतन्य संघ, कंगले हो तुम, हम तो शंकराचार्य एक बार गुजरात के कुछ व्यक्ति आए दर्शक, और मैं यहाँ गेट के पास था 23 साल 24 साल पहले, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ हैं, ऐसे कहा एक ही व्यक्ति, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ, मैं समझ गया कि जब भाई ने से शुरू किया ये तो देखते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, तो इसको कहूँगा कि मैं हूँ शंकराचार्य तो मानेगा नहीं, गाली देगा और झूठ बोलता नहीं, तो शंकराचार्य की मूर्ति तो थी ही अंदर उस समय वहाँ, नहीं हमने बोला नहीं, हमने शंकराचार्य कहा है तो हमने मूर्ति की ओर बोला नहीं, मुझे वहाँ गया, बच्चे लोग थे, शंकराचार्य कहा है, अब देखो उन्होंने कहा ऊपर आके मेरे पास का बड़ा गोरख धंधा यहाँ है, तुम कहते हो भाई साहब कि शंकराचार्य उधर, संकेत नीचे वाले कहते उधर, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं ही शंकराचार्य हूँ, तुम सम मानना चाहो, तू हो सकता है शंकराचार्य, भक्त हम भी ऐसे मठई में गाली मिल गई तू हो सकता है कंगला जैसा दिखता शंकराचार्य हो सकता बड़ी विकट बात है। इसीलिए हमने कहा कि कर्मकांड उपासना कांड का लोप ना हो, इसलिए जीव को आग्रह पूर्वक कर्ता भोक्ता सिद्ध करना चाहिए या नहीं? अभी से अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ ये ज्ञान तो पचेगा नहीं, और वेदांती बन गए तो न वो कर्म न उपासना की घाटी पार करेंगे तो नरक में जाएंगे, इसलिए कहा पूर्व मीमांसकों ने ये सब नहीं। तो कुमारिल भट्ट जी के सामने समस्या आ गई, उन्होंने कहा देखो, वेदांत नयेना, हम जिस सीमा में हैं उसमें तो जीव को कर्ता भोक्ता ही सिद्ध कर सकते हैं, इससे ऊपर की बात जानी हो तो वेदांत की ओर चले जाओ, ऐसा संकेत कर दिया। लेकिन पूर्व मीमांसा की सीमा में पहले कर्ता भोक्ता तो समझो अपने को, तो शुभ कर्म करो अशुभ कर्म मत करो, शुभ कर्म का फल सुख भोगो दुख मत भोगो, ठीक हो आप? आज पूर्व मीमांसा पर धारा चल पड़ी, तब आगे बढ़। आपने कहा
क्या ईश्वर बड़े बाप के देवता की स्तुति के लिए है? हाँ, तो देवता को मानते हैं? वही बताया कि दो भेद है, ये जो इंद्राय स्वाहा, इसमें इंद्र शब्द का प्रयोग है, वैदिक शब्द है ना, उसमें इतनी क्षमता है कि जो उत्तर मीमांसकों के देवता कार्य कर देते हैं वो हमारा वैदिक शब्द ही कार्य कर देता है। तो देवता प्रतिपादक जो शब्द है वो वैदिक शब्द होने के कारण उनमें इतनी क्षमता है कि तुम्हारा जो ईश्वर का वो देवता काम करता है या करते हैं वो हमारा वैदिक शब्द ही, देवपरक वैदिक शब्द ही काम कर देता ये। लेकिन व्यास के मुनि ने देवता को माना है, तो मीमांसकों में कुछ ईश्वर को न मानते हुए भी देवता को मानने वाले हैं, कुछ देव परक शब्द को ही देवता मानते हैं। हमारे पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी, उनके प्रवचन में कहाँ कौन संस्कार था वो भी एक अनुसंधान का विषय है। हृदय सो देवता को नहीं मानते, पूर्व मीमांसा का उतना प्रभाव उनके ऊपर था, अंदर से नहीं मानते, वेदों को अपौर से भी विचित्र ढंग से बांधते, वेद माने ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा माने अज, अज माने अपौर से। तो उनके ऊपर किसी अंश में पूर्व मीमांसा का प्रभाव था, किसी अंश में आर्य समाज का प्रभाव था, बहुत से प्रभाव को लेकर वो वेदांती थे। इसलिए उनके साहित्य को पढ़कर अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखना बड़ा कठिन, यानी किस व्यक्ति के मुँह से कौन क्या बोल रहा है, कौन दर्शन बोल रहा है, किस अंश में किस दर्शन का पक्षधर वो है। वेदांत दर्शन, वेदांत प्रस्थान को पढ़ाते हुए प्रवचन करते हुए भी कितना अंश किस दर्शन का उसके जीवन में प्रतिष्ठित है, कितने अंश में वो वेदांती है, कितने अंश में सांख्यवादी होकर बोल रहा है, आर्य समाजी होकर बोल रहा है, पूर्व मीमांसक होकर बोल रहा है, ये तो बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसलिए महापुरुष बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए सब ठीक है, परंतु उनके अनुयायियों का क्या होगा वो भगवान बचाओ। शुद्ध श्रवण ही विलुप्त हो गया। अब कोई वेदांती है और आर्य समाजी है तो ईश्वर का प्रसंग आएगा तो गाली देगा ही, माने साकार ईश्वर का, पुराण का वचन आएगा तो गाली देगा ही। अब जब पुराण को नहीं मानेगा, पुराण को ही नहीं मानेगा, सगुण साकार ईश्वर को नहीं मानेगा, वो वेदांती अपने चेलों को पहुंचावेगा कहाँ, बहुत जटिल प्रभाव। गुरुओं के चपेट से मुक्त होकर के शुद्ध रास्ता निकालना भी आजकल कठिन, माने परंपरा प्राप्त इधर उधर के संस्कार से विहीन गुरुओं का मिलना भी बहुत कठिन। हमको वृंदावन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, हम जहाँ जाते हैं वहीं संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का स्वभाव नहीं है लेकिन करना पड़ता। हम अवतारवाद पर बोल रहे थे पूज्य स्वामी जी महाराज के यहाँ, वामदेव जी महाराज को हमने ही मंच पर कितना परिश्रम करके कष्ट झेल के बैठाने का प्रयास किया और कहा आप हमारे बाद में बोलेंगे। स्वामी जी महाराज बम्बई में थे, पूज्य अखंडा जी महाराज, अब मैं जो बोला वामदेव नारायण सब पर पानी फेर दिया, अवतार बात पर जो बोला, दूसरे दिन हमारा नंबर आता, फिर हमने अपने पक्ष को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। कोई राग द्वेष की बात नहीं थी, उनको था कि ये बालक है, आयु में तो था ही बालक, और ये क्या बोल रहा है। दूसरे दिन मैंने अपने पक्ष का फिर उस पर पानी फेर दिया, चार दिन के बाद जो मैं बोलूँ उसका समर्थन भी बोलने लगे, तब मुझे शिक्षा मिली। क्या मिली समझ गए, वैसे मैंने 2.5 वर्ष पढ़ा है पूज्य वामदेव महाराज, लेकिन जब तब मुझे शिक्षा मिली कि बहुत विरक्त खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि आदि को पढ़ाने वालों के ऊपर भी
शास्त्र सम्मत अवतार का स्वरूप ही नहीं मानू, माने उसमें आस्था ही नहीं। बाद में तो हमारी जीत हो गई भगवत कृपा से, जो हम बोले समर्थन ही, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्या जिसका अर्थ हुआ कि आजकल तो शुद्ध श्रवण मिलना ही कठिन है, बहुत सांकर्य है। कोई वेदांती है तो किसी अंश में समाजी हो गया, किसी अंश में फिर सांख्यवादी हो गया, किसी अंश में वो पूर्वमीमांसक हो गया, कहाँ कौन सा ला के रख दे कह नहीं सकते। समग्र शास्त्र को मानने वाला और जिस प्रस्थान को पढ़ा रहे हैं उस रंग में रंगे बिना, रंगे बिना पढ़ाने लग जाए तो बात गलत है ना। इसीलिए कहा अब आगे चले। अब उड़ियावाजी के यहाँ बोलना, रोटी बंद कर दी गई मरी 6 महीने तक लगातार, भूख से चक्कर आता था, कुल 24 घंटे में 4 रोटी, जलपान बंद कर दिया गया, मीठा पानी बंद कर दिया गया, बहुत सी यातना दी गई। क्यों? यहाँ भक्ति पर ही बोला जाएगा, ज्ञान की चर्चा नहीं होगी। हमने कहा हम नहीं जानते हरिवाजी को, नहीं जानते उड़ियावाजी को, हम जानते हैं शास्त्र को, शास्त्र जो कहता उसके अनुसार मैं बोलूँगा। अब वो क्या बोलते थे वो क्या बोलते थे मैं साक्षी नहीं हूँ, मेरे सामने शास्त्र है। बहुत यातना दी गई, बहुत यातना, अब मुझसे नहीं रहा गया। पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज जी भी थे शाम को, और सदानंद जी वहाँ वाले परमार्थ वाले। मैंने ये देखा कि मेरा भोजन भी बंद है, जलपान भी बंद है, बहुत कष्ट देते ये लोग। मैंने कहा कि महाराज जी आप इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और आपने कम से कम 100 तो मेरा प्रवचन सुना ही होगा, अब आप आज बताइए इन ट्रस्टियों को कि मैं शास्त्र विरुद्ध बोलता हूँ तो मुझे प्रशिक्षण दीजिए कैसा बोलना चाहिए। अगर मैं शास्त्र सम्मत बोलता हूँ तो मुझे विविध प्रकार के ताना क्यों कसा जाता है, यातना क्यों कसी जाती है। क्षमा कीजिए, हरिवार जी का मैंने दर्शन किया, वो तो कीर्तन करते थे, उनका तो प्रवचन मैंने सुना नहीं, प्रवचन नहीं करते थे। पूज्य उड़ियावा का नाम सुना है तो मैं उड़ियावा जी कौन थे क्या थे, हरिवार जी क्या बोलते थे मुझे पता नहीं, शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ या नहीं। स्वामी जी को इतनी प्रसन्नता हुई, उन पर भी प्रतिबंध था, वो भी वहाँ आते थे तो वही भक्ति की बात कहते थे। भक्ति से मुझे परहेज नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग को छोड़ दोगे भक्ति तो। शुद्ध सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरत विवेक ते न चले नरमोह बस कल्प ही पंथ अनेक। स्वामी जी को ताव नहीं आता था, फिर मंच पर बैठे, हम तो वहाँ यही था, जो वक्ता है ऊपर बैठता था, उन्होंने धीजी उड़ा दी और ये कहा कि सुनो तुम लोग बाद में आए हो, उड़ियावा जी का मैं शिष्य हूँ, उड़ियावादी का शिष्य होकर जो वैराग्य और ज्ञान का खंडन करता है समझ लो कोई और है, इसलिए दंडी स्वामी जी का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। उस दिन से फिर पासा पलटने सा लगा, बहुत कुछ यातना मिलती है। नैमिषारण्य में 4 तीर धनुष लेके खड़े किए जाते थे मेरे चारों ओर, हाँ तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैंने कहा मौन ही रहने दिया जाए ना, बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा हमें बोलना वही आता है जो हमारा हृदय कहता, बोलो। चारों ताने रहते थे मार देंगे, उस भारत में भी बोलता था। फिर इसका अर्थ क्या है, ये जो वाणी है ना, इसको लोभ भय मौत से भी के भय से भी बचा कर रखते हैं तब अपना हित होता है औरों का हित होता है। वाणी बिकने न पावे, भय के वशीभूत न हो, इस वाणी की रक्षा के लिए बहुत तप करना पड़ता है, समझे, बहुत यातना सहनी पड़ती। लो जी अब कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि व्यक्त संसार सदा से हो, व्यक्त संसार का मौलिक स्वरूप अव्याकृत है। जब यह संसार नहीं रहता तब अव्यक्त भावापन्न होकर अव्याकृत होकर शेष रहता है। ऐसी स्थिति में बीज और वृक्ष के समान
अव्याकृत से व्याकृत, व्याकृत से अव्याकृत का क्रम अनादिकाल से चल रहा है। अतः मुक्त जीव का पुनर्भव संभव नहीं, क्योंकि मुक्त जीव जो हैं व्याकृत अव्याकृत दोनों से अतीत होते हैं। यानी कल बताया था क्या, अव्यक्तोक्षर अव्यक्त अक्षर परस्तस्मात्तु भावोनो व्यक्त भावोनियो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, अव्यक्त सनातन अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त। तो सनातन अव्यक्त भावापन्न जो हो जाते हैं वो व्यक्त अव्यक्त दोनों की घाटी को पार कर लेते हैं। होते कौन हैं, कार्य प्रपंच के अनुरूप, कारण प्रपंच के अनुरूप जिनकी मान्यता है, वो कार्य और कारण रूप उपाधि में संश्लिष्ट सरीखे हैं। और आत्मा जो है जो कि त्यों ब्रह्म स्वरूप है, केवल कार्य और कारण में संश्लेष के कारण, कार्य कारण के अनुरूप आत्म मान्यता के कारण वह क्या है, जीव भावापन्न है। कार्य कारण के अनुरूप मान्यता का त्याग कर देता है तो व्याकृत अव्याकृत दोनों से अतीत मुक्त जीव हो जाता है, उसे फिर अव्याकृत या व्याकृत भूमिका की प्राप्ति नहीं होती। हाँ कौन बोल रहा, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्त सनातन है। यहाँ व्यक्त का कहीं उल्लेख है? हाँ? यह व्यक्त शब्द आया है क्या? हाँ आया, हम तो समझ रहे थे वो अव्यक्त हो अव्यक्त। और परस्तस्मात्तु भावो अन्यो, कस्मात अव्यक्त, अरे अव्यक्त वो कस्मात अव्यक्त। सुनो, अरे नाउन का प्रयोग किए बिना प्रोनाउन का प्रयोग होता है क्या? परस्तस्मात् तस्मात् कस्मात् किससे, व्यक्त से अध्याहार होगा यानी व्यक्त का क्या? अव्यक्तता तो है ना। अरे क्या मैं कह रहा हूँ, परस्तस्मात् तु भावोन्यः, तस्मात् किसके लिए, अंडरस्टूड है यानी व्यक्त। हाँ प्रोनाउन का प्रयोग बिना नाउन के होता है क्या? कस्मात् तस्मात् वहाँ से व्यक्त लेना पड़ेगा या नहीं, ये उनसे पर है। जिसके लिए कहा गया ये या यह उससे पर है, वो यह कौन पदार्थ है? तस्मात कस्मात इस दृष्टि से क्या हुआ, तो कहते हैं कि व्यक्त अव्यक्त का क्रम चलता रहता है। सृष्टि की संरचना व्यक्त भावापत्ति है, सृष्टि का जो प्रलय है अव्यक्त भावापत्ति है। तो वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष के समान व्यक्त और अव्यक्त का क्रम चलता रहता है। लेकिन दोनों से अतीत जो हो गए मुक्त, उन्हें फिर न व्यक्त भाव की प्राप्ति होती है न अव्यक्त भाव की प्राप्ति होती है। सुनो आप, अव्यक्त कहने पर भी व्यक्त की सिद्धि होती है नहीं? एक दिन हमने बताया था दोहा बली का, ज्ञान कहे अज्ञान विद, तमविद कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विद, सोगुण तुलसीदास। आप अव्यक्त बोलते हैं तो व्यक्त की सिद्धि होती है नहीं? क्या अव्यक्त कहते ही व्यक्त का ग्रहण तो अपने आप हो जाता है? किसका प्रतिषेध कर रहे हैं? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता ना, वहाँ तो तस्मात् शब्द का प्रयुक्त है, लेकिन वैसे अव्यक्त कहेंगे तो अभी व्यक्त का ग्रहण होगा या नहीं, और व्यक्त कहेंगे तो अव्यक्त का ग्रहण अर्थात हो ही जाएगा। व्यक्त की पूर्वावस्था का नाम अव्यक्त होगा या नहीं, और व्यक्त का निषेध करेंगे तो व्यक्त की सिद्धि होगी या नहीं? अव्यक्त की पूर्वावस्था का नाम व्यक्त, व्यक्त की पूर्वावस्था का नाम अव्यक्त। जब आप बीज कहेंगे तो वृक्ष का ग्रहण होगा या नहीं, और जब वृक्ष कहेंगे तो बिना बीज के वृक्ष एकाएक कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा आप लोग प्रतिबिंब कहेंगे तो शेष दो कौन है जिनका ग्रहण अपने आप होगा, नाम लें या न लें? प्रतिबिंब शब्द का उच्चारण कर दीजिए, शेष दो क्या है ग्रहण के बिना संभव है कि अभिव्यंजक संस्थान कौन और बिंब कौन?
प्रतिबिंब शब्द का ग्रहण, प्रतिबिंब शब्द ही अपने आप नाम लिया हमने एक का, लेकिन शेष दो की सिद्धि हो गई या नहीं? किसकी किसकी? अभिव्यंजक संस्थान छाया कहेंगे किसमें और किसकी, किसमें छाया और किसकी छाया, ठीक है। और आभास कहेंगे तो किसका आभास और किसमें आभास। इसीलिए एक शब्द कहने पर भी शेष दो की सिद्धि हो गई। हमने कहा प्रतिबिंब किसी, तो किसी को बिंब तो मानना पड़ेगा, और बिंब कहने पर भी नहीं अभिव्यंजक संस्थान भी मानना पड़ेगा, तो दर्पण भी और मुख भी मानना पड़ेगा, तब तो मुख के प्रतिबिंब की सिद्धि होगी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं एक शब्द बोला गया लेकिन शेष दो के वो क्या होते हैं, ग्राहक हो ही जाते हैं, नहीं तो उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। प्रतिबिंब कहने पर बिंब और अभिव्यंजक संस्थान, छाया कहने पर भी बिंब और अभिव्यंजक संस्थान। अब हम कहेंगे आभास, तो कहना पड़ेगा ना धर्माभास, चिदाभास, किसका आभास और किसमें आभास, किसका और किसमें। तो इसका मतलब एक का उच्चारण होने पर भी शेष दोष का ग्रहण हो जाता है। तस्य पुनर्व्याकरणे कारणमाह, पुनर्व्याकरण में, व्याकरण माने विस्तार में, कारण क्या है, तदेवेति, तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वसात व्याक्रियते बीजादि वृक्ष। अब इसमें नियामक कौन है? जगत महाप्रलय के दशा में अव्याकृत भावापन्न हो जाता है, सदा के लिए अव्याकृत भावापन्न हो जाए, फिर उसके व्याकरण में विस्तार में हेतु तो कुछ होना चाहिए ना। समष्टि जीवों के परिपक्व फलोन्मुख जो कर्म है वो क्या है, व्याकृत भावापत्ति में हेतु है। क्या हुआ बोलिए? समष्टि जीव, जीवों के समष्टि कर्म परिपक्व होकर जब फलोन्मुख होते हैं तब अव्याकृत व्याकृत भावापन्न होने की स्थिति में हो जाता है। और व्याकृत भावापन्न जीवों के समष्टि कर्म, समष्टि जीवों के समष्टि कर्म जब श्रांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, विश्राम की स्थिति में हो जाते हैं, तब व्याकृत प्रपंच अव्याकृत हो जाता है। इस तथ्य की अनुभूति कैसे होगी? हम कर्म करते करते विश्राम की स्थिति का अनुभव करते हैं, अब क्या होता है, निद्रा की प्राप्ति होती है। अब निद्रा में क्या होगा, हमारे हम थकान की निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो कर्म अभुक्त हैं वो परिपक्व होकर फलोन्मुख हो जाएंगे, तो फिर नींद टूट जाएगी। तो जागर के गर्भ से सुषुप्ति, सुषुप्ति के गर्भ से जागर, तो व्यक्त भावापत्ति में अव्यक्त भावापत्ति में नियामक कौन है, कर्म। कर्म फलोन्मुख हो जाए तो अव्यक्त व्याकृत हो जाता है, और कर्म संकुचित हो जाए फल देने की स्थिति में न रहे तब व्याकृत अव्याकृत हो जाता है। ये तो क्रम चलता है। इसमें दार्शनिकता क्या है, जागर और सुषुप्ति, या स्वप्न, जागर स्वप्न और जागृत, कर्मफल की अवस्था सुषुप्ति, इस प्रकार से। भाष्य, तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्मवशात व्याक्रियते बीजादि वृक्ष, ये चलता रहता है। कर्म इसमें नियामक हो गया, व्याकृत को अव्याकृत, अव्याकृत को व्याकृत करने में कौन हुआ नियामक, कर्म। दृष्टांत क्या हुआ, जागर स्वप्न व्याकृत वो भी, सुषुप्ति अव्याकृत वो भी। व्याकृता व्याकृतात्मना संसार से प्रामाणिकत्व सत्यत्व आशंक्य अविद्याकृतत्व तन्मिथ्यात्व उक्तम स्मारयति
सोयमिति इस पंक्ति का अर्थ कर देते। आज तो दो ही पंक्ति हो पाई, व्याकृता व्याकृतात्मन और संसार से। अब लीजिए कौन है, आनंद गिरी जी मूल ही है 19 पेज, स्वयं व्याकृता व्याकृत रूपा संसार। अब ये जो संसार शब्द का प्रयोग किया, कभी तो व्यक्त के लिए संसार शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य ने, लेकिन संसार का बीज भी तो संसार है। इसलिए अब का व्यक्त अव्यक्त दोनों मिलके संसार है, व्यक्ता व्यक्त व्याकृत अव्याकृत रूप संसार। इसका मतलब कार्य भी और कारण भी, व्यक्त भी अव्यक्त भी, दोनों मिलके संसार। व्याकृता व्याकृतात्मन संसार से, व्याकृत अव्याकृत रूप जो संसार है, प्रामाणिकत्व नाम 13वीं टिप्पणी श्रुति बोध्यत्वात् इति भाव। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन है, श्रुति। श्रुति के द्वारा ही व्याकृत अव्याकृत तरी अव्याकृत आसित, व्याकृत अव्याकृत दोनों प्रकार का जो संसार है श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। जो वस्तु प्रामाणिक है उसके मिथ्यात्व का निश्चय अनुचित है। प्रामाणिक है तो मिथ्या नहीं, मिथ्या है तो प्रामाणिक नहीं, यही प्रसिद्ध है। प्रमाण का विषय बन गया तो सत्य ही मानना चाहिए, पूर्व पक्ष है। यहाँ सब प्रामाणिक और प्रामाणिक हो जाते हैं, अत्यंत और प्रामाणिक की अपेक्षा व्यावहारिक प्रामाणिक का महत्व है। पारमार्थिक प्रामाणिकता की अपेक्षा से विचार करें तो व्यवहार के सब प्रमाण सिद्ध पदार्थ और प्रमाण बन जाते। रज्जु सर्प की अपेक्षा रज्जु का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक है, लेकिन रज्जु ज्ञान भी आविद्यक है या नहीं, है तो ब्रह्म, हम समझ रहे हैं रस्सी। रस्सी को सर्प समझना भ्रम है, तो परमात्मा को रज्जु रस्सी समझना भ्रम नहीं है क्या? परमात्मा है या रस्सी? परमात्मा का विवर्त तो अंत में कौन है? रस्सी। रस्सी का विवर्त हो गया सर्प, रज्जु सर्प। तो रज्जु सर्प भी जब व्यक्ति देखता है तो आखिर अविद्या वृत्ति नेत्र के योग से, लेकिन नेत्र तक सीधे कैसे पहुंचेगी? अविद्या वृत्ति मनोयोग से, नेत्र वृत्ति के माध्यम से रज्जु प्रदेश तक पहुंचकर रज्जु अवच्छिन्न चेतन को सर्प के रूप में उद्भाषित करती है। यह हो गया। अब प्रश्न उठता है, मनोवृत्ति नेत्र वृत्ति, नेत्र के द्वार से मन, क्या कहते हैं, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति तो चक्षु प्रमाण है, मन प्रमाण है। तो अविद्या चक्षु से अतीत मन, मन से अतीत अविद्या है, या मन से नीचे अविद्या है? कारण शरीर। अविद्या तो इंद्रिय से ऊपर कौन? चक्षु। चक्षु इंद्रिय से ऊपर कौन है? मन। मन से ऊपर कौन है? अविद्या। अविद्या वृत्ति मनोयोग से चक्षु के द्वार से रज्ज्वावच्छिन्न चेतन तक पहुंचकर सर्प के रूप में उद्भाषित करती है। तो सर्प जो है वास्तव में आँख बीच करके तो सर्प का दर्शन नहीं हो सकता किसी दृष्टि से। अच्छा, सर्प विषय है तो उसको मानना ही पड़ेगा, सर्प हो ही नहीं तो सर्प का दर्शन कैसे होगा? इसलिए तत्काल सर्प की उत्पत्ति होती है। क्या बिना विषय का ज्ञान नहीं हो सकता ना? सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति तत्काल होती है। तो सर्प का जब दर्शन होता है तो वो भी दर्शन समकाल में तो प्रामाणिक ही माना जाएगा ना, आँख मीच करके थोड़े सर्प का दर्शन होगा। अब हो गया,
लेकिन फिर रज्जु का जो दर्शन होता है, रज्जु विज्ञान से सर्प, विज्ञान और सर्प का बाद हो जाता है, अर्थात ध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों का निवारण हो जाता। क्या अर्थ का भी अध्यास और ज्ञान का भी अध्यास, रज्जु सर्प भी मिथ्या, रज सर्प का विज्ञान भी मिथ्या। अब रज्जु का विज्ञान हो गया, अब रज्जु का विज्ञान प्रामाणिक हो गया, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से रज्जु का विज्ञान हुआ। लेकिन जब रज्जु जिसमें अध्यस्त है, रज्जु जिसमें अध्यस्त है उस परमात्मा ब्रह्म का विज्ञान होगा, तो प्रमाण सिद्ध जो रज्जु का प्रमाण सिद्ध जो रज्जु था, रज्जु थी, रज्जु का विज्ञान था, अर्थात ध्यास के सहित ज्ञानाध्यास का फिर निवारण हो जाएगा या नहीं। तो प्रमाण सिद्ध भी किसी भूमिका पे जाके क्या हो जाते हैं, अप्रमाण। यही का बहुत गोरख धंधा है, विचित्र। प्रमाण प्रमाण प्रामाणिक है, प्रामाणिक है, अलोक तुम्हारी दृष्टि में प्रामाणिक है, कहीं जाकर वो अप्रामाणिक हो जाती। प्रामाणिकत्व सत्यत्व असंख्य अविद्या के तत्व तन्मिथ्यात्म मुक्तम स्मारयत। अरे ठीक है, लेकिन मूल में तो अविद्याकृत ही है, इसलिए पूरा संसार चाहे व्याकृत हो या अव्याकृत। अब यहाँ बहुत बड़ी विचित्र पहेली आ गई, ये सब पंक्तियाँ बहुत कठिन हैं। क्या एक एक पंक्ति लगाना जो है दिन में तारे दिख जाए, बहुत अध्ययन का बल चाहिए, विशेषकर गुरु और ईश्वर का अनुग्रह। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या को यहाँ पर भाष्यकार जी ने और आनंदगिरि जी ने रखा व्यक्ता व्यक्त दोनों हो गया संसार, तो दोनों से अतीत होनी चाहिए ना विद्या। क्या अविद्या का कार्य कौन हुआ? केवल अगर हम कहते कि व्यक्त जो है अविद्या का कार्य है, तो अव्यक्त का नाम अविद्या हो जाता। क्या व्यक्त जो संसार है उसी को संसार मान लेते हैं, अब उसको कहते हैं अविद्यक, तब क्या होता? अविद्या हम अव्यक्त को मान लेते, धारणा यही होती है ना, अव्यक्त का नाम अविद्या है। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने कह दिया कि व्यक्ता व्यक्त दोनों का नाम संसार है, और ये दोनों प्रकार का संसार किसका कार्य है? अविद्या का। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से अतीत का नाम है ना अविद्या, उस अविद्या को समझना क्या सामान्य है? क्या प्रायः यही धारणा होती है वेदांतियों की कि अव्यक्त का नाम है अविद्या, और अविद्या ही जब व्यक्त हो जाती है तो उसका नाम है सृष्टि व्यक्त। लेकिन अव्यक्ता व्यक्त दोनों को जब हम अविद्या ये अविद्यक मानते हैं, तो अविद्या तो दोनों से अतीत सिद्ध हुई ना, वह विद्या दोनों से अतीत। हाँ वही तो बोल ही रहा हूँ, अगर हम केवल व्यक्त को संसार मानते हैं और अविद्यक मानते, तो अव्याकृत या अव्यक्त में अविद्या का लक्षण चरितार्थ हो जाता। जब हमने संसार का क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया क्या कि व्यक्त ही नहीं अव्यक्त भी संसार है, और फिर कहा कि व्यक्ता व्यक्त संसार अविद्या का कार्य है, अविद्या तो दोनों से अतीत, दोनों का एक कारण सिद्ध हुई या नहीं, तो वो अविद्या कैसे होगी? ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति, ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है, और प्रकृति में कहाँ महाप्रलय में सबका लय होता है, तो प्रकृति या माया को मान लिया व्याकृत, उसी में अविद्या या माया का लक्षण चला गया। लेकिन जब व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही हमने संसार मान लिया, और जो भी संसार है व्यक्ता व्यक्त उसको अविद्या का कार्य माना, तो अविद्या तो व्यक्ता व्यक्त दोनों से अतीत, और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है अज्ञान कहते किसका, व्यावहारिक ज्ञान कहते किसका, ये प्रश्न आता है नहीं,
ज्ञान और अज्ञान सापेक्ष है या नहीं? व्यावहारिक ज्ञान भी सापेक्ष होता है। रस्सी का अज्ञान और रस्सी का ज्ञान, तो ज्ञान को भी रस्सी की अपेक्षा पड़ी और अज्ञान को भी रस्सी की अपेक्षा पड़ी या नहीं? तो किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान उसका परिणाम है व्यक्ताव्यक्त संसार, हुआ ना? तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से अतीत हो गई या नहीं? अविद्या या ज्ञान दोनों से अतीत हो गया। अधिष्ठानात्मक ब्रह्म तत्व के अज्ञान से व्यक्ताव्यक्त व्याकृत अव्याकृत रूप संसार की प्रसक्ति है, यह वाक्य बना। अब ये कहाँ जाके अर्थ टिकेगा? अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद और कृषि विज्ञान मालूम हो तो ठीक ठीक इसका अर्थ लगेगा। अब बीजांकुर शंकराचार्य ने लिया, कृषि विज्ञान के कितने, कृषि विज्ञान कितना शंकराचार्य का सदा होगा? बीज और अंकुर, ठीक है, अंकुर के मूल में बीज, बीज के मूल में अंकुर, लेकिन सूक्ष्म कौन है? बीज। अब दोनों से अतीत किसी, दोनों दोनों जिसके कार्य हैं उसको चुनिए। पृथ्वी, पृथ्वी तो चली गई ब्रह्म दाष्टांत में ब्रह्म तक, पृथ्वी का ज्ञान, पृथ्वी में बीज और अंकुर, बीज और वृक्ष दोनों अध्यस्त है या नहीं? तो अधिष्ठान कोटि का पदार्थ कौन है? पृथ्वी। संस्कार युक्त भूमि का नाम होता है बीज, क्या? तत्त संस्कार, चना का, जौ का, मटर का, तत्त संस्कार संवेत पृथ्वी का नाम, भूमि का नाम क्या है? बीज। अंकुर माने वृक्ष और बीज दोनों का अधिष्ठान कौन है? भूमि। हो गया ना? कृषि विज्ञान के, आज मैं सोच रहा था इसका अर्थ कैसे लगेगा, तो कृषि विज्ञान के दृष्टि से इसका अर्थ लग गया। इसी प्रकार से बीज के समान है अव्याकृत, वृक्ष के समान है व्याकृत, भूमि के समान है ब्रह्म, और उस ब्रह्म का को न समझने से व्याकृत माने व्याकृत अव्याकृत का तात्विक स्वरूप कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म के अज्ञान से ही व्याकृत अव्याकृत संसार की प्रवृत्ति है। तो दोनों कोटि से चार कोटि हो गए, एक ब्रह्म का अज्ञान, और एक उस अज्ञान से बीजांग बीज वृक्ष के समान अव्याकृत और व्याकृत, व्याकृता व्याकृत, व्याकृता व्याकृत जिस अधिष्ठान भूत ब्रह्म के अज्ञान के परिणाम हैं, उसी अज्ञान को अविद्या कहेंगे या नहीं? अविद्या का स्तर कितना ऊंचा हो गया? ठीक, गीता के सातवें अध्याय में जीव भूताम यदम धार्यते जगत अष्टधा प्रकृति का वर्णन है, वहाँ पर विनोद की भाषा है, व्यंग्य, भगवान ने गाली खूब दी है, व्यंग्य भी बहुत किया। गीता में 700 श्लोक हैं, गीता प्रेस के पहले अध्याय में कहीं कहीं एक उवाच नहीं है, वह यह है 84 श्लोक गीता में किसके हैं? अर्जुन के, 574 श्लोक भगवान के, बाकी एक श्लोक धृतराष्ट्र का, बाकी संजय। तो एक पंडित हुए हैं दिल्ली में, भगवान के जितने वचन हैं उसमें से 108 गाली निकाली थी पूरी गीता में। मंगलाचरण एक घंटे के प्रेमचंद में 108 बार मंगलाचरण किया, किसने? भगवान ने। एक मंगलाचरण है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, हमारे पूर्वाचार्य कहते थे पापा शब्द यहाँ भी है, पापा बहुवचन, पापा कहते ना आजकल बेटे लोग, पप्पू और पापा, पप्पू आप नहीं पप्पू और पापा, बच्चों का नाम पप्पू और पिता का नाम पापा, पापा बहुवचन है। वो पाप ही खाते हैं जो
ये पचंति आत्म कारणात्, अपने लिए भोजन बनाते हैं, अतिथि भगवान के लिए नहीं। एक गाली है या नहीं, भोजनते ते तुघम पापा, वो पापी है। तो भगवान ने क्या कहा, परा प्रकृति अप्रेय, अपरा प्रकृति के आठ भेद हो गए, भूमिरापो नलो वायु, माने पंच अब वहाँ भी अर्थ करने में बड़ी टेढ़ी खीर है वहाँ पर। अब पंचीकृत पंच महाभूत अहम तत्व महत्व और अव्यक्त, शोधित अर्थ यही है। शोधन की दो प्रक्रिया है, एक मधुसूदन सरस्वती जी की चलाई हुई, एक शंकराचार्य जी की, वो अलग बात। अष्टधा प्रकृति हो गए, उसमें सात प्रकृति विकृति है, एक केवल प्रकृति है, यह अपरा प्रकृति है, जड़ है। परा भगवान ने जीव को कहा, तो टीकाकारों ने कहा स्त्री में रचा पचा व्यक्ति को जैसे स्त्रैण कहते हैं, अपरा प्रकृति जो अष्टधा है उसमें रचा पचा पुरुष, यद्य पुरुष है प्रकृति नहीं है, लेकिन भगवान ने व्यंग कस दिया ये भी प्रकृति है। प्रकृति में अष्टधा प्रकृति में रचा पचा रहने के कारण स्त्रैण मत, वहाँ स्त्रैण तो कहा कम से कम स्त्री तो नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कहा ये भी प्रकृति है, अपने आप को प्रकृति बना दिया। या एदम धार्यते जगत, जिस जो जगत को धारण करता है, वहाँ भी जगत माने अष्टधा प्रकृति का जो परिणाम षोडश विकृति, षोडश विकृति से भी स्थूल प्रपंच, तो सप्त प्रकृति विकृति एक प्रकृति षोडश विकृति, ये सब मिला के कितने हो गए, सोलह आठ 24 हो गया ना। इन 24 तत्वों का नाम यदम धारित जगत, यह जगत हो गया। इनको धारक कौन होता है, जीव, वो परा प्रकृति है, क्योंकि जीव को ही संसार की प्राप्ति होती है। अब यहाँ का भाष्य गीता के सातवें अध्याय से जोड़ेंगे तो जगत माने संसार, और जगत के दो भेद हो गए परा अपरा, व्यक्त अव्यक्त। उसमें अष्टधा प्रकृति में जो अव्यक्त है वो तो अव्यक्त, बाकी सात प्रकृति और षोडश विकृति मिलकर कितने हो गए, 23। ये 23 का नाम हो गया व्यक्त यहाँ की दृष्टि से, 24वें का नाम अव्यक्त या अव्यक्त, इनका नाम हो गया जगत, इनका धारक कौन हुआ, जीव, और परम धारक कौन हुआ, परमात्मा। ठीक, परा प्रकृति माने जिसके कर्म के फलस्वरूप, अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप, या जो अविद्या के चपेट में आकर निज काम और कर्म के फलस्वरूप व्याकृत अव्याकृत भाव को प्राप्त होता है, वो परा प्रकृति रूप जीव। तो एक होता है अनुग्राहक, एक होता है धारक, देवता होते अनुग्राहक, जीव होता है धारक, देवता से ऊपर हो गए जीव, जीव होता है धारक और देवता होते अनुग्राहक, तो धारक हो गया जीव, जिसके निमित्त जगत व्याकृत अव्याकृत जगत जिसके निमित्त है वो हो गया जीव, जिसके अज्ञान से है वो हो गया ब्रह्म, और वो जगत का कारण कौन हो गया, अज्ञान अविद्या। ऐसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अविद्याग्रस्त, अविद्या के अंतर्गत नहीं, अविद्याग्रस्त, व्याकृत अव्याकृत माने 24 तत्व, सांख्योक्त 24 तत्व को ही तो व्याकृत अव्याकृत कहेंगे ना। सांख्योक्त 24 तत्व का नाम हो गया क्या, जगत, यदम धारिते जगत, इनका धारक माने जिसके कर्म के फलस्वरूप, अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप इनकी प्राप्ति होती है, भोक्ता, कर्ता भोक्ता का नाम हो गया परा प्रकृति। और अविद्यक कौन हो गया, इसमें कर्तृत्व इसमें भोक्तृत्व, अविद्यक उसमें भोग्यत्व और अविद्यक, तीन का नाम अविद्यक हुआ। कौन कौन,
जीव निष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व भगवान में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप को समझकर ईक्षण करते हैं। जीव निष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आविद्यक है, और जगत निष्ठ जो भोग्यत्व है वो भी आविद्यक है। आविद्यक माने अविद्या का कार्य। अविद्या क्या है? अधिष्ठानभूत परमात्मा से अपने को भिन्न समझना, तदनुरूप नहीं समझना, यह अविद्या है। एक है ब्रह्म, परा अपरा प्रकृति दोनों का जो नियामक वो हो गए परमात्मा सर्वेश्वर। अब सर्वेश्वर का जो मौलिक स्वरूप अखंड विज्ञान हो गया अधिष्ठान, जिसके अज्ञान के कारण जीव को परा जीव को अपरा प्रकृति षोडश विकृतियों के सहित अपरा प्रकृति की प्राप्ति होती है। अर्थात अपरा प्रकृति माने यहाँ पर आठ ही कहा प्रकृति का, षोडश विकृति भी, तो व्याकृत अव्याकृत रूप षोडश विकृति आठ, सात प्रकृति विकृति एक प्रकृति, चौबीस तत्व। चौबीस तत्व में व्याकृत अव्याकृत आ गया नहीं, चौबीस तत्वात्मक जो जगत है वो जिसके भोग के लिए बना है वो परा प्रकृति रूप जीव है। उस जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो आविद्यक है, और जगत में जो भोग्यत्व है वो आविद्यक है। इधर भोग्यत्व मिट जाए वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाए, अच्छा हम सीधी प्रक्रिया कहते हैं, इदम लगाते जाए किमिदम किमिदम किमिदम, यह आहुति मंडालिए, आहुति रहित इदम क्या हो गया बताएं, किमिदम यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह घट है, यह मठ है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, इदम रहने दीजिए, आहुति मत डालिए नाम रूप के। इदम दृश्य रहेगा या क्या रहेगा? अच्छा अहम में आहुति मत डालिए, सुखी दुखी ब्राह्मण विद्वान मूर्ख जो भी, आहुति रहित, आहुति उपाधि, आहुति रहित अहम और आहुति रहित इदम एक हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे? इदम विभू है या नहीं, और अहम प्रतीति के दृष्टि अहम क्या है? संकीर्ण है, संक्षिप्त, इदम जो है विस्तृत है, लेकिन इदम आहुति निरपेक्ष इदम, आहुति रहित इदम और आहुति रहित अहम में दृष्टा और दृश्य भाव बनेगा क्या? दोनों एक हो जाएंगे या नहीं? तो जिसके अज्ञान से अहम इदम दोनों की प्राप्ति होती है क्या? जिसके अज्ञान से, वो ब्रह्म है और अज्ञान ही अविद्या है, और फल जो है जीव भाव की प्राप्ति, जगत भाव की प्राप्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व और भोग भाव भोग्यत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व भोग्यत्व तीनों का अपनोदन कर देंगे तो क्या बचेगा? ब्रह्म हो गया। चलो आज का पाठ बहुत गंभीर रहा।